कश्मीर की खूबसूरती जन्नत का दीदार कराती है, उसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। उसी कश्मीर में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। 10 सालों बाद घाटी में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव पिछले सभी चुनावों से एकदम अलग है, क्योंकि इस चुनाव से पहले की जो परिस्थिति है वो आज तक नहीं हुई थी। कश्मीर की आजादी से ही वहां पर आर्टिकल 370 था, जिसको लेकर कई ऐसे नियम थे जो उसे भारत से अलग रखते थे, दूर रखते थे। लेकिन साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव है। इसके अलावा परिसीमन भी एक बड़ा फैक्टर है। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से समझेंगे कि आखिर चुनाव के बड़े फैक्टर क्या है, लेकिन बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर में हुए चुनावी दौरे की कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने डोडा में एक चुनावी सभा की और इसी दौरान अपनी रैली में विपक्ष को जमकर घेरा और जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात के लिए तीन खानदान जिम्मेदार हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इन तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जम्मू कश्मीर को स्वर्ग से नर्क बना दिया। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया वो किसी पाप से कम नहीं है। प्रधानमंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में कहा कि यह चुनाव तीन खानदानों और कश्मीर के युवाओं के बीच है। मोदी ने अपने भाषण में कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। पीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही बदल देंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। मोदी ने 370 से लेकर पत्थरबाजों, आतंकवाद तक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि डोडा में किसी प्रधानमंत्री की सभा 42 साल बाद हुई है, यानी 4 दशकों तक कोई प्रधानमंत्री डोडा गया ही नहीं था। अभी तक बात हुई पीएम मोदी के भाषण के बारे में, लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर यह चुनाव कितना अहम है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है। जम्मू और कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होने वाला है। इसमें जम्मू रीजन की 43 और कश्मीर रीजन की 47 सीटों पर चुनाव होगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है, तो वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन देने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद से राहुल गांधी भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और बीजेपी ने इस बार फिर राम माधव को जम्मू कश्मीर चुनाव की जिम्मेदारी दी। पिछले चुनाव में जम्मू में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे राम मोहन का ही हाथ था। बीजेपी राम मोहन के अनुभव का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर चुनाव में बेहतर करने की कोशिश में है। तो वहीं साल 2014 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन और सरकार बनाने के पीछे राम माधव की अहम भूमिका मानी जाती है। इस गठबंधन सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा को उपमुख्यमंत्री का पद मिला था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई, नहीं टिक पाई। दोनों दलों की दोस्ती टूट गई और कश्मीर के सियासी हालात पूरी तरह से बदल गए। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया था। उसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया था। अब जब कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद यह पहला चुनाव है जिस पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। 2024 का घाटी का चुनाव पिछली बार बिल्कुल अलग और रोमांचकारी है। इस बार का नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा चुनावी समीकरण बदल चुका है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें थी। 2014 में जम्मू रीजन में 37 सीट और कश्मीर रीजन में 46 और लद्दाख रीजन में 4 सीटें आती थी, लेकिन नए परिसीमन के बाद तस्वीर बदल गई। अब जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा और जम्मू रीजन में 43 सीट, कश्मीर रीजन में 47 सीट हो गई है।
यानी नए परिसीमन के बाद अब 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें जम्मू रीजन की सीटों को बढ़ाया गया। अब जम्मू रीजन हिंदू बाहुल्य इलाका है, ऐसे में बीजेपी को यहां फायदा हो सकता है। साथ साथ एक बदलाव यह भी हुआ कि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित राज्य बन गया, इसीलिए इस बार के बदले परिवेश में सभी पार्टियों के लिए चुनाव में एक अलग चुनौती देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से घाटी के लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतिहास रचा, जम्मू कश्मीर में लोगों ने आतंक को नकार दिया। बीजेपी जहां घाटी में सभी सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सारा दारोमदार राहुल गांधी के चेहरे पर ही होगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं, आने वाले दिनों में उनकी भी रैली होगी। इधर उमर अब्दुल्ला भी चुनावी मैदान में हैं, कभी वो भाजपा के बुलडोजर प्लान पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी अफजल गुरु की फांसी पर। कुल मिलाकर घाटी का सियासी पारा हाई है और अब चुनाव का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये देखना जबरदस्त होगा कि माहौल किसके पक्ष में है, कश्मीर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, जनता किस पर भरोसा करती है, मोदी की गारंटी का जादू कितना चलता है, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।